हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिनेटास्टिक। अमिता रुबीना दिलाई को मिली सजा, चलिए जानते हैं बिग बॉस के घर में क्या हुआ। जैसा कि हमने प्रोमो में देखा था कि राखी अभिनव को फिर से एक बार परेशान और छेड़ते हुए नजर आएंगी, जहां वो उनको वॉशरूम में ये ताना मारती हैं कि भाई चैलेंजर्स के आने के बाद ही शो में जान आई है, जिसके बाद भी अभिनव उनको कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। पर उसके बाद राखी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती है और अभिनव को कह देती है ठरकी, जो कि अभिनव को टेम्परामेंट लूज करने पर मजबूर कर देता है और दोनों के बीच में हो जाती है जबरदस्त बहस। जहाँ जब ये रुबीना को बात पता चलती है तो रुबीना और राखी में भी हो जाता है बहुत बड़ा झगड़ा और रुबीना गुस्से में फेंक देती है राखी के ऊपर एक पूरे बकेट का पानी, जिसके बाद घर के माहौल में गर्मा गर्मी आ जाती है। जहाँ राखी बिग बॉस से ये कहते हुए नजर आई कि रुबीना को पानी फेंकने की सजा मिलनी चाहिए और बिग बॉस रुबीना को ये सजा देते भी है और कर देते हैं पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट। जी हाँ दोस्तों, अब रुबीना दिलायक अब इस सीजन के लास्ट वीक तक रहेंगी डायरेक्टली नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट बाय बिग बॉस, क्योंकि रुबीना ने यहाँ पानी फेंकने का रूल ब्रेक किया है। वेल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब बिग बॉस में जैस्मिन ने राहुल के ऊपर पानी फेंका था और सोनाली फोगाट ने जानबूझकर अर्शि के ऊपर पानी डाला था, तब इन दोनों को कोई भी सजा नहीं मिली थी, पर इस बार सजा मिली है पानी फेंकने की रुबीना दिलायक को। वेल आपका क्या मानना है, ये एक फेयर डिसीजन है या फिर अनफेयर, और रुबीना के राखी के मुद्दे पर रिएक्ट करना क्या सही है या नहीं, प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।